नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। आज दोस्तों, इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे डिवोर्स बाय कोर्ट अंडर मुस्लिम लॉ। जी हाँ, अगर आप मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं तो कोर्ट की क्या प्रक्रिया होगी और क्या ग्राउंड्स होंगे जिसके तहत आप तलाक ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर एक निवेदन जो हर बार हम आपसे करते हैं, हम फिर से करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। अगर आप हम किसी तरह की कानूनी राह सलाह जानकारी हमसे लेना चाहते हैं या कानूनी बात करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर मुस्लिम लॉ के तहत आप गवर्न करते हैं तो मुस्लिम जो होती है, मैरिज जो होती है, ये एक एग्रीमेंट की तरह होती है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में। अब मान लीजिए किसी कारण हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बन रही है तो उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है जिसे हम तलाक कहते हैं। अब मान लीजिए इस तलाक के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते, दोनों अलग अलग होना चाहते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत हस्बैंड और वाइफ दोनों से अलग अलग हो सकते हैं। सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939, उसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तो वाइफ किन किन ग्राउंड्स के तहत हस्बैंड के ऊपर डिवोर्स का केस कर सकती है। चलिए दोस्तों इस श्रृंखला को वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और हम आपको वो ग्राउंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राउंड जो दोस्तों आता है वो आता है अगर मान लीजिए हस्बैंड जो है वो 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है और वो गायब है, मतलब उसका कोई भी जानकारी नहीं है, बिना बताए बिना किसी कारण के 4 साल तक उसकी कोई जानकारी नहीं लगती है तो वाइफ का राइट है, वो डिवोर्स ले सकती है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि मान लीजिए अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को ठीक से नहीं रख रहा है, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और यह जो समस्या है ये लगातार 2 साल तक कंटिन्यू हो रही है तो यह भी एक तलाक का कारण बन सकता है। तीसरा दोस्तों बात करेंगे, अगर मान लीजिए हस्बैंड को सजा हो गई है किसी कारण से, किसी अपराध के लिए उसको जेल भेज दिया है जिसमें उसको 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है तो भी वाइफ का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो अलग होना चाहती है तो वह अलग हो सकती है। चौथा पॉइंट दोस्तों आता है जिसके बारे में बहुत बताया गया है, नपुंसकता के बारे में, इम्पोटेंसी के बारे में। अगर इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है तो वाइफ का राइट है, वो अपने पति से अलग हो सकती है। पांचवा जो ग्राउंड है दोस्तों वो है इंसेनिटी का ग्राउंड। जी हाँ, अगर पागल है हस्बैंड, 2 साल तक वो उस पागल की अवस्था में रहता है, पागलपन की अवस्था में, तो भी वो है वाइफ अलग हो सकती है। छठवा कारण दोस्तों बात की गई है क्रुएल्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए जड़ता का संबंधी प्रॉब्लम है तो भी वाइफ जो है वो हस्बैंड से अलग रहने की कर सकती है। इसमें भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि दोस्तों हैबिचुअली असॉल्ट करता है, मारता पीटता है, किसी भी तरह की समस्या देता है, उत्पीड़न देता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। मान लीजिए बिना किसी कारण के वो किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगता है, एडल्ट्री में जाता है, एडल्ट्री हालांकि दोस्तों आप डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, उस पर कोई कानूनी उस पर सज़ा नहीं है, लेकिन अभी भी वो तलाक का एक कारण है। मान लीजिए अगर हस्बैंड फोर्स भी करता है वाइफ को कुछ इमोरल लाइफ जीने की, गलत धंधों में जाने के लिए भी उसको प्रेशराइज करता है तो भी यह एक कारण बनता है तलाक का। इन सब चीज़ों में याद रखने वाली बात दोस्तों यह है कि कोर्ट को आपको प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे, आपको पूरे सबूत इकट्ठे कर दे, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है इन सारे ग्राउंड्स के तहत तो वो डिक्री पास कर देगा। लेकिन इन सब के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, प्रॉपर एविडेंस देना कोर्ट को ज़रूरी है। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, इन एविडेंसेस को देखता है, केस के सर्कमस्टांसिस को देखता है, उसके बाद ही वो डिक्री कोर्ट की पास करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसे लगे ये ग्राउंड्स, आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने के लिए। हर बार जो अपना कीमती समय आप हमको देते हैं उसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ।